हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन हम देखते हैं घटना चक्र, जहां हम देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, जहां पे हमने मई का देख लिया है, मई 2022, जून 2022 का हमने करंट अफेयर देख लिया है। आज हम जुलाई 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट वन रहने वाला है। इसी तरीके से पार्ट टू पार्ट थ्री में हम जुलाई माह के जितने भी न्यूज़ हैं उसको हम कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिताली राज हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस। हाल ही में मिताली राज ने खेलों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है मिताली राज। इससे और क्या क्या, इस एरिया से और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है मिताली राज किस राज्य से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, ये जोधपुर राजस्थान की है। कहाँ की? जोधपुर राजस्थान की है। और पूछा जा सकता है, और इन्हें इस तरीके से पूछा जाता है, हाल पूछा जा सकता है प्रश्न कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से जिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया वो कौन है, जिन्होंने घोषणा की है कि सभी संन्यासों से वो सभी खेलों से वो संन्यास ले रही हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि मिताली राज आंसर है, यानी कि चाहे जिस भी तरीके से पूछे, हमने केवल एक चीज़ देखा कि मिताली राज ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से, लेकिन उससे और पूछा क्या जा सकता है? एग्जामिनर वहाँ पे हमसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं? पहली बात तो जोधपुर राजस्थान पूछ सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि किसने संन्यास ले लिया है जो क्रिकेट से संबंधित हो, तो मिताली राज ने ले लिया है। फिर उसके बाद ये पूछा जा इनको जो है मिताली राज को 2003 से किन किन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 2003 में इनको जो है अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, अर्जुना अवार्ड। फिर उसके बाद 2021 में जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाता है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? When was the World Food Safety Day 2022 celebrated recently? 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून, कब मनाया गया है ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को। कब मनाया गया? 7 जून को। अब इससे संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मनाया तो गया, थीम क्या है? तो थीम इसकी है, थीम क्या है इसकी, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। यदि हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, सेफर फूड, सेफर फूड बेटर हेल्थ। क्या है? सेफर फूड बेटर हेल्थ, ठीक है। ये 2022 की जो है थीम रही है। उसके बाद में ये जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO प्लस FAO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य कृषि संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, साथ में और भी देशों का योगदान रहता है, तो सभी के द्वारा जो है मिल करके ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यदि पूछा गया कि WHO जो है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए WHO, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में बना रहता है WHO। तो आप ना चाहे एक मतलब कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देखेंगे तो पूछा ही जाता है कि जो भी संगठन ना न्यूज़ में होती है तो पूछ लिया जाता है किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है?
WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। FAO क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इसकी एक विशिष्ट एजेंसी ही है, WHO की एक विशिष्ट एजेंसी है, ठीक है। सॉरी, WHO की विशिष्ट एजेंसी नहीं, UN की, राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। मैंने गलती से WHO बोल दिया, यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती से कह दिया था, WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? Which state government has recently announced to give Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for sports person? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या है बताइए, कौन सा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, ये पता है, ये क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चंस ना बोलते हैं कि ये होता है कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम दे दिया गया, किसका? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया, इसका मतलब कि प्रेजेंट सरकार ने नाम बदल दिया। अब आप ये सब राज्य का नाम देख रहे हैं, तो यदि हम देखें तो राजस्थान ही केवल ऐसी है जो कि एक उम्मीद, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वो कौन सा नाम रखेगी, तो राजीव गांधी के नाम पे ही रखेगी। इसका मतलब हम एलिमिनेशन के थ्रू, क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार दूसरी है। लेकिन यदि राजीव गांधी खेल, क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जब कर दिया गया, लेकिन कौन सा राज्य ऐसा है जो कि अभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देना चाहता है, तो वो आंसर क्या है? तो राजस्थान है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम ना अपना वहां पे एक एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, हमने तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम ऑप्शन? बिल्कुल कर सकते हैं, हम ऐसे ही पहुंच सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, लेकिन ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए 1991-92 में ये पहली बार देना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, वो हॉकी प्लेयर थे। कौन थे? हॉकी प्लेयर थे, इतना भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, तो खेल जगत में ये जो है हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया है, यानी कि एकदम सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, जिसका नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये नाम कब बदला गया पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 अगस्त 2021 को प्रेजेंट सरकार ने जो है, हमारी जो केंद्र की सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब हम नाम बदल करके क्या करने वाले, तो हम नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर देंगे। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया। रिसेंटली इन विच कंट्री अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कॉल्ड एक्स खान क्वेस्ट 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, बताइए क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया में जो है एक्स खान क्वेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज किया गया, मंगोलिया में, है ना। पार्टिसिपेट किसने किया? तो हमारी जो है इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इसमें एक्स खान क्वेस्ट 2022 में। फिर उसके बाद कितने देश इसमें, इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में सम्मिलित थे? तो 16 कंट्री कितनी थी, तो 16 देश जो है इसमें सम्मिलित थे। यदि पूछा गया इंडियन आर्मी ने तो पार्टिसिपेट किया, क्यों? क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। यदि पूछ लिया गया आपसे कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई, क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही न्यूज़ में है ना, तो इसमें से भी हमें पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल 1895 को जो है इंडियन आर्मी की स्थापना हुई, ठीक है। फिर यदि हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया कि हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन आर्मी का, तो न्यू दिल्ली, आपको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है,
फिर यदि हम पूछें कि अभी कौन है, अभी इंडियन आर्मी में जो है अभी कौन है, तो आपसे पूछा गया, और ये इस इनका पहली बात यदि आपसे पूछ लिया गया इनका मोटो क्या है, ठीक, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि अपने से आगे, ये किसको ध्यान देते हैं, यानी कि सेवा को अपने से आगे रखते हैं, सेवा को अपने से आगे रखा जाता है, यदि हम इसका मीनिंग देखें, सर्विस बिफोर सेल्फ इनका जो है मोटो है। तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी के बारे में यदि पूछा गया तो भी पता होना चाहिए। एक्स खान क्वेस्ट 2022 में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो वो भी पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, ये जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई थी बहुराष्ट्रीय अभ्यास में इंडियन आर्मी का पार्टिसिपेशन रहा है, 16 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ जो कि मंगोलिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आईफा 2022 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द रिसेंटली हेल्ड आईफा 2022 अवार्ड, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल, अहान शेट्टी, आमिर खान, बताइए किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की यदि हम बात करें तो विकी कौशल को मिला है, किसको मिला है, विकी कौशल को मिला है। आइए हम देख लेते हैं कि आईफा से संबंधित क्यों, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर यदि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विकी कौशल है, जिसको सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस यदि हम देखें, या फिर हम बोले बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है, तो किसको मिला है, अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की यदि हम बात करें, निर्देशक तो विष्णु वर्धन है। बेस्ट फिल्म कौन सी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो शेर शाह है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की यदि हम बात करें तो आशीष कौर है फॉर राता लबिया शेरशाह से है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो कि मेल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो जुबिन नौटियाल है, जो कि अगेन राता लंबिया शेरशाह से है। बेस्ट लिरिक्स की यदि हम बात करते हैं तो कौसर मुनीर है फॉर लहरा दो 83। फिर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो एआर रहमान है फॉर अतरंगी रे, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, विक्रम मॉन्ट्रोस, बी पराग और जानी फॉर शेरशाह। बेस्ट मेल डेब्यू यानी कि जिसने स्टार्ट किया, डेब्यू मतलब स्टार्ट किया है ना, तो अहान शेट्टी है तड़प। यदि फीमेल की यदि हम बात करें तो सरवरी वाघ है जो कि बंटी और बबली 2 से है। बेस्ट स्टोरी अडाप्टेड क्या है तो कबीर खान, संजय पूरन सिंह चौहान फॉर 83। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी की बात करें तो लूडो है, लूडो बाय अनुराग बासु। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सहायक अभिनेत्री की बात करें तो साई तमहांकर है जो कि मिमी के लिए है। और बेस्ट सपोर्टिंग सहायक अभिनेता की बात करें तो पंकज त्रिपाठी है लूडो के लिए। यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये यानी कि यदि याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा क्या जाता है तो अभिनेता याद कर लेना, अभिनेत्री याद कर लेना, फिल्म में याद कर लेना, इतनी चीजें आप लोग याद कर ही लेना, ठीक है। बाकी चीजें याद हो रही है नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, इतनी तीन चीजें यदि याद है तो ठीक है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, भारत का सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इंडियाज ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू राइटर्स ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 8 लैंग्वेजेस, 8, 10, 12, 22, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमें पता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और क्या चीज हमें याद रखना है, और एक चीज मैंने ना आपको एक चीज बताना है, यहाँ पे मैं भूल गई, क्या बताना भूल गई, आईफा की यदि हम बात करें तो आईफा का आयोजन कहाँ हुआ, यदि पूछ लिया गया तो 2022 का आईफा का आयोजन कहाँ हुआ, तो आबू धाबी में हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिस जैसे क्योंकि जहाँ से भी जिस भी एरिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सभी को ना वो चीज़ कवर अप करवा दूँ, क्योंकि यदि आपने ना घटनाचक्र कर लिया है और यदि आप प्रीवियस ईयर या फिर अभी का जो ट्रेंड देखोगे ना करंट अफेयर का, तो इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल, यदि आपने इसको सही से कर लिया है ना, डेफिनेटली आपके प्रश्न बन जाएंगे, आपको
करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, उसकी टेंशन मैं आपके लिए लूंगी, आपको नहीं कुछ करना है, बस आपको तरीके से जो मैं बता रही ना बस उसको याद करते हुए चलना है। इसीलिए ना मैं आपको करंट अफेयर का ना ज़्यादा बर्डन नहीं देती हूँ, बहुत सारी न्यूज़ मैं नहीं आपको दे देती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें ना हम ऐसा हो जाता है ये याद करें वो याद करें, कितनी चीज़ें हो गई हैं याद ही नहीं हो रही। मैं आपको कंसोलिडेटेड देती हूँ जो कि बिल्कुल एग्जाम में आपके लिए सटीक बैठेगा ये आपको, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही थी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 22 भाषाओं के लिए, बाकी और चीज भी हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां किसको मिला है? तो आसामी पोएट को मिला है, आसामी पोएट उनका क्या नाम है? नीलमणि पोखन। क्या है? नीलमणि पोखन JR, है ना? ये चीज को याद रखना, जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि आसाम के ये क्या है, ये कवि हैं, आसाम के कवि हैं, ठीक है? फिर आसामीज पोएट जिसे हम बोलते हैं, आसामीज पोएट है ये, ठीक, कवि है। यदि हम 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो कोंकणी नॉवलिस्ट को मिला है, यानी कि कोंकण के साहित्यकार को मिला है। उनका नाम क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना, कोंकणी नॉवलिस्ट को मिला है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दामोदर मूजो। क्या है? दामोदर पूछा जा सकता है ना, दामोदर मूजो को मिला है। यहाँ पे माउजो भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, माउजो, दामोदर माउजो को मिला है। कौन सा? तो 57वां ज्ञानपीठ और 56वां नीलमणि पोखन JR, जो कि आसामी पोएट है। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अमेरिका, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, कौन है? पहली बात पूछा क्या गया इसको हम देखेंगे, क्या पूछा गया? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 पूछा गया। तो यदि हम इसकी बात करें ना, तो पहली बात जो हमें याद करनी, आंसर में तो वैसे पर भी हम पहुंच ही जाएंगे कि क्या है आंसर, ठीक। तो इसका जो आंसर है, ये रिलीज कौन करता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा आता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है, इसमें जो एक जो हाल ही में ये क्यों इतना न्यूज पे रहा कि ठीक है, इसमें जो डेनमार्क जो है फर्स्ट आया है, फर्स्ट बोला गया ना डेनमार्क, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको पता है ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये ना 180 देशों के लिए ये जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है, 180 देशों को मिला करके जारी किया, उसमें जो है इंडिया जो है सबसे लास्ट में है, इसलिए ज्यादा न्यूज पे रहा, इंडिया की रैंकिंग सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि बताया गया कि पर्यावरण की दृष्टि से जो है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से जो है इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब है, तो 180 देशों में ये जो है 180 देशों को मिला करके दिया जाता है और इंडिया की रैंकिंग एकदम लास्ट में है। और इवन यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे पुअरली, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति है इंडिया की, और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता है अपने पर्यावरण के सुधार के लिए, इसलिए ये इतना ज़्यादा न्यूज़ मिला। ये चीज़ को आपको याद रखना है, समझ में आया? डेनमार्क तो बिल्कुल ठीक है, याद कर ली। न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में ये रहा क्योंकि इंडिया जो है बहुत एकदम लास्ट में आया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, क्या पूछा गया? चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट अमंग द बिग स्टेट इन द रिसेंटली रिलीज्ड 4th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या राजस्थान है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है अभी जो चौथा स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, वो जो है तमिलनाडु पहला रहा है किसमें? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में, पहली बात इसको भी याद रखना है ना, अमंग द बिग स्टेट्स कैटेगरी में तमिलनाडु फर्स्ट में रहा है। बाकी हम देख लेते हैं, बाकी सेकेंड कौन रहा है, थर्ड कौन रहा है। तो हम बात करें यदि बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु फर्स्ट में रहा, सेकेंड में गुजरात रहा है, कौन है? गुजरात है। और थर्ड में कौन रहा है? तो महाराष्ट्र है थर्ड में, ठीक है। ये बड़े राज्यों की श्रेणी है, बिग स्टेट्स में है। यदि हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें, यानी कि छोटे राज्यों की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है गोवा,
कौन है? गोवा। सेकंड कौन है? तो मणिपुर है। कौन है? मणिपुर। थर्ड कौन है? तो थर्ड है सिक्किम। ठीक, फिर यदि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, यूटीज की यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो फर्स्ट कौन रहा? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड कौन रहा? तो दिल्ली, दिल्ली रहा है। थर्ड कौन रहा है? तो चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। इतनी चीजें यदि आप लोग इस चीज से याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। इस तरीके से चार्ट बना लेना लिख रहे हो तो, कि खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आप ऐसे कैटेगरी बनाओ और याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हाल ही में लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? इसरो, नाबार्ड, विश्व बैंक या WHO? रिसेंटली इन ले हु हैज लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोग्राम? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो है नाबार्ड ने जो है क्या किया है, माई पैड माई राइट प्रोग्राम। माई पैड माई राइट, ठीक है, माई पैड माई राइट प्रोग्राम जो है नाबार्ड ने लेह में जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने का नहीं, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे ज्यादा डिस्कस किया नहीं है ना। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड? हमाद एयरपोर्ट दोहा, हनीदा एयरपोर्ट टोक्यो, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, नरिता एयरपोर्ट टोक्यो। बताइए किसको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमाद एयरपोर्ट। कौन सा? हमाद एयरपोर्ट, जो कि दोहा में पड़ता है। ठीक है, हमद बोलिए, हमाद बोलिए, हमद हवाई अड्डा जो कि दोहा में पड़ता है। लेकिन इंडिया से क्या किसी की रैंकिंग रही है? तो ये कहाँ है, ये कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। दोहा कहाँ पे? कतर में है ना। कहाँ है ये? कतर में है ये। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या मिला है, तो फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इंडिया से क्या है वो, यानी तो इंडिया का केम्पे गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में पड़ता है ना, वॉज नेम द फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। यदि हम क्षेत्रीय क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं तो वो भी कहाँ, तो इंडिया का और साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया में किसको मिला है, तो बेंगलोर में जो हमारा केम्पे गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको मिला है। ठीक है, याद रहेगा इंडिया से क्या है अंतर्राष्ट्रीय वाला जान लिए, हमद को मिला, इंडिया से किसको मिला, तो बेंगलोर में जो केम्पे गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको जो है क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। ठीक है, समझ में आया, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द नाटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया, इजराइल, यूक्रेन, जापान। किसने लिया निर्णय बताइए? तो जापान ने लिया है। किसने लिया है? जापान ने लिया है नाटो शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नाटो के बारे में यदि हम देखें, नाटो कब अस्तित्व में आया, तो नाटो अस्तित्व में आया 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टॉलनबर्ग है। कौन है? जेंस स्टॉलनबर्ग है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं नाटो के? तो नाटो के सदस्य हैं 30 है। लास्ट मेंबर कौन है जो कि ऐड हुआ है नाटो में? तो नॉर्थ मैसेडोनिया। कौन ऐड हुआ है? नॉर्थ मैसेडोनिया, याद हुआ है। ये जितनी चीजें हैं ना नाटो का, यदि आप देखें तो इतनी चीजें बिल्कुल नोट्स में लिख लीजिए। यदि नाटो से कुछ प्रश्न आएगा ना, इतना ही आएगा, उसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ममता बनर्जी, रानी मुखर्जी, बिपाशा बासु, दीपक बख्शी। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड? ममता बनर्जी, रानी मुखर्जी, बिपाशा बासु, दीपक बख्शी। यहाँ पे देखो कितना, मतलब कि ऑप्शन देखो पूरे के पूरे बंगाली है ना, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे। हमें यदि पता है तो ठीक है सॉल्व करेंगे, नहीं पता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया कि स्पेशल बांग्ला एकेडमी अवार्ड, हम आंसर में आ जाते हैं तो ममता बनर्जी को मिला है ना, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जो है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है इनको? तो इनको इनकी पुस्तक जिसका नाम क्या है, कविता वितान। क्या है? कविता वितान।
कविता बितान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, क्योंकि पहली बार ही आयोजन किया गया था। साहित्य एकेडमी ने ये अवार्ड दिया है। किसने दिया है? साहित्य एकेडमी ने, साहित्य अकादमी ने ये पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार? तो बांग्ला, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो ममता बनर्जी को। किस लिए? तो कविता बितान, जो कि इनकी क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है ये। ठीक, आगे आ जाते हैं। Who has become the winner of the fourth edition of the Khelo India Youth Game had recently? Tamil Nadu, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh. हाल ही में आयोजित Khelo India Youth Games के चौथे संस्करण का विजेता कौन बना है? तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए कौन बना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। ठीक, लेकिन और भी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम तो पूरा मतलब एक एक चीज़ देखते हैं। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था ना, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो हरियाणा में आयोजित किया गया, जो कि मैंने आपको ये करवाया भी है ना। यदि आपने पूरा घटनाचक्र यदि मेरे साथ कवर अप किया, तो मैंने इसको करवाया। बात आती है कि हरियाणा को फर्स्ट मिला है, और हरियाणा ने हराया किसको? तो हरियाणा ने हराया है महाराष्ट्र को, हराया है। हरियाणा जो है 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका विनर रहा। ठीक, और 2021 वाला 2022 में हुआ है, ये मत भूलना है ना कि 2021 का संस्करण, जो कि चौथा संस्करण है, वो 2022 में हुआ है, उसका नाम ही 2021 ही है। ठीक, यदि 2020 वाले की बात करते तो कौन विजेता रहा है? तो महाराष्ट्र विजेता रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, जो कि कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 2022 में आयोजित किया गया। कब से कब तक? तो 4 जून से लेकर के 13 जून तक इसको आयोजित किया गया था। हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, साथ में दिल्ली में भी हुआ है, चंडीगढ़ में भी हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि इसको कितने गोल्ड मेडल पूछा गया, कितने गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीता, तो 52 गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, जो कि चौथा संस्करण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला COVID-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कार्बोवैक्स वैक्सीन या एनकोवैक्स? बताइए क्या है, एनकोवैक्स है, कार्बोवैक्स वैक्सीन है, या कोविशील्ड है, या कोवैक्सीन है? Recently, India's first COVID-19 vaccine for animals has been launched. What is its name? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, दो को तो बिल्कुल आप लोग एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अच्छा ये तो पता है, ये तो हम लोग को लग रहा है, तो फिर जानवरों को क्यों लगाएंगे, है ना। फिर उसके बाद कार्बोवैक्स वैक्सीन और एनकोवैक्स, दो में आके फंस गए, तो इसमें तो थोड़ा 50-50 का यदि आप गेस कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बना ले जाएंगे, है ना। थोड़ा गेसिंग आपको पता होना चाहिए कि आपका फिर गेस मार्क्स कैसा है, यानी कि आपके तुक्के मतलब कि तीर बन जाते हैं या फिर तुक्के ही रहते हैं, इतना पता होना चाहिए। लेकिन हम आंसर में आ जाते हैं, क्या है? तो एनकोवैक्स जो है, एनकोवैक्स जो भारत का पहला वैक्सीन है जो कि जानवरों को लगाया जा रहा है, और ये कहाँ है? इंडिया में ही हमने खुद इसका निर्माण किया है। ठीक है, जानवरों के लिए भारत का ये पहला COVID-19 वैक्सीन है। लॉन्च किसने किया है यदि पूछ लिया गया आपसे, तो ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। कौन है ये? तो ये कृषि मंत्री हैं। कौन है? कृषि मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। फिर उसके बाद में यदि पूछा जाता है कि ये है क्या, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए इसको, इसका निर्माण कहाँ किया गया, किसका? तो एनकोवैक्स का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये इंडिया का है, तो इंडिया के हरियाणा बेस्ड, हरियाणा में जो है, हरियाणा बेस्ड ICAR NRC में इसको जो है बनाया गया है। इंडिया बेस्ड ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, NRC ऑन इक्वींस, है ना। ये क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे ये बनाया गया है एनकोवैक्स, जो कि जानवरों के लिए COVID-19 का टीका है, जो कि एक निष्क्रिय, पूछा जा सकता है ना सक्रिय है या निष्क्रिय, तो एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा टीका है ना। बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा टीका है, जो कि यदि ये लगा दिया जाएगा तो ये डेल्टा और ओमिक्रॉन ये दोनों को ही बेअसर करेगा, है ना, ये दोनों को ही बेअसर करेगा। तो यानी कि ये जो है, इसकी जो SARS-CoV-2 प्रतिरक्षा, SARS-CoV-2 डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों को ही बेअसर करने की इसमें जो है ताकत है, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। हाल ही में जारी अंक UN
UNCTAD इस तरीके से लिखा रहता तो ज्यादा सही रहता है ना। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है, चौथा, पांचवा, सातवां या दसवें रैंक पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। यहाँ पे फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सेवन्थ में या टेंथ में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेवन्थ में इंडिया की पोजीशन रही है। लेकिन केवल इतना जानना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो क्या हमारे लिए जानना है ये जो अंक टेन है ना, ये जो है ये रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म यदि पूछ लिया गया तो वो पता होना चाहिए क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक, ये क्यों देता है, ये रैंकिंग क्यों जारी किया है, तो ये जो है विदेशी निवेश पर है ना, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, तो उसके लिए ये जो है बिल्कुल रैंकिंग जारी करता है। इसने क्या बोला है, इसने अभी जो रैंकिंग जारी की है 2021 की, तो इसने ये पाया कि भारत जो है, भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें, तो उसके प्राप्तकर्ताओं में जो है भारत का स्थान सातवें नंबर पर रहा है, सातवां रहा है। ठीक, बाकी लोगों की स्थिति क्या रही है, तो पहले स्थान पर US रहा है, दूसरे स्थान पर चाइना रहा है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। ठीक है, यदि हम 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी की यदि हम बात करते हैं, ठीक, तो 10 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें, तो इंडिया क्यों न्यूज़ पे रहा, ठीक कि FDI में बिल्कुल सातवें पोजीशन पे तो आया इंडिया, लेकिन न्यूज़ पे ये रहा कि इंडिया जो है 2021 की स्थिति क्या थी, तो इंडिया की 2021 की स्थिति थी कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है कितना आया था, तो हमारे यहाँ आया था $45 बिलियन। ठीक है, $45 बिलियन, और वही 2022 में हमारे यहाँ कितना हुआ है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, ये मैं सही लिख रही थी लेकिन मैं गलत लिख दी है ना, 2021 और 2022 की यदि हम बात करते हैं, तो 2021 की जो स्थिति रही है, तो इंडिया में जो है $64 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आई थी, लेकिन 2022 में जो है हमारे यहाँ कितना हो गया, ये घट करके 45 बिलियन, $45 बिलियन हो गया है। इसका मतलब ये यदि हम 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में भारत जो है अपनी जो रैंकिंग तो कम आई ही है, लेकिन बाकी लोग तो उनके यहाँ कितनी विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आई थी उनके अनुसार उनको रैंकिंग मिली, लेकिन हमारी स्थिति क्या हुई है, हम ना लुढ़क गए हैं। क्या हो गए, हम लुढ़क गए, यानी कि भारत जो है इतना कम हो गया है, इसलिए ये खबर न्यूज़ पे रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछा जाएगा, US, चाइना, हांगकांग, इतना याद कर लेना। भारत क्या है, सातवें नंबर पे। न्यूज़ में क्यों रहा, न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि भारत ना सबसे नीचे, यानी कि अभी तक ऐसा है, बाकी लोगों को तो रैंकिंग उनके यहाँ कितना आया इसलिए मिल रहा था, हमें भी इसलिए उसी लिए मिला, लेकिन हमारी स्थिति हुई क्या है कि हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की है, जबकि 2026 की मेजबानी किस देश को करनी है। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, US, मेक्सिको, कनाडा, उपरोक्त सभी। कतर हैज होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022 व्हाइल 2026 हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री, विल बी होस्टेड है ना, हैज बीन नहीं, विल आएगा, विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, US, मैक्सिको, कनाडा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जो है 2022 की जो मेजबानी कतर ने की थी, ठीक, कतर ने की नहीं, की थी नहीं, करने वाला है। क्यों, क्योंकि पूछा जाएगा कि कब से कब तक ये आयोजन होना है फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका 21 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप क्या है, तो इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन है। क्या है, फुटबॉल का कॉम्पिटिशन है, जो कि किसके द्वारा खेला जाता है, तो सीनियर मेंस नेशनल टीम के द्वारा, ये फीफा के जितने सदस्य होते हैं तो उनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये खेला जाता है। ठीक, तो 2000
22 के जो कतर ने जो मेजबानी जो करने वाला है कब से कब तक, तो 21 नवंबर से 18 दिसंबर को जो ये होने वाला है, इसमें 32 टीमें भाग लेने वाली हैं। कितनी टीमें? 32 टीमें। लेकिन जो 2026 में होने वाला है, यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हर 4 साल में ये फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है, लेकिन 2026 में जो होने वाला है उसकी मेजबानी जो है 3 देश करने वाले हैं। कौन कौन से? तो US भी करने वाला है, मेक्सिको भी करने वाला है, साथ में कनाडा भी करने वाला है। ठीक है, अब US के कितने शहरों में होने वाला है, यदि इस तरीके से भी प्रश्न आया तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये 11 शहरों में होने वाला है, ये 3 शहरों में और ये 2 शहरों में होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 11 और 3 और ये 2, ठीक है, 5 यानी कि 16, ठीक है, तो 16 शहरों में ये खेला जाना है और 3 देशों में खेला जाना है। इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये वो यदि फीफा प्रेसिडेंट की बात बोली है, अध्यक्ष कौन है फीफा का? तो जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 87.558 मीटर, 89.30 मीटर, 86.50 मीटर या 84.50 मीटर। रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज मेड अ नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग अ जैवलिन ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? 87.52 मीटर, 89.30, 86.50 या 84.50। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 89.30। क्या है? 89.30। तो भारत के जो एक भाला फेंकने, नीरज चोपड़ा का नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, तो जैवलिन थ्रोवर है। क्या है? जैवलिन थ्रोवर है। इक्का भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों, किसमें? तो ये देखिए, पावो नूर्मी गेम्स कहाँ हुआ? तो फिनलैंड में हुआ। वहाँ पे 89.30 मीटर की दूरी पर फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। क्या बना लिया? एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ये चीज को आप लोग याद करना, क्योंकि खेल जगत से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट में आ जाए। भारत का पहला मानव युग अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया जाएगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में? When will India's first manned space mission will be launched? 2022, 2023, 2024 या 2025? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2023। कब है? तो 2023 में जो बोला क्या गया, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन पूछा गया, है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि गैर मानव युक्त यानी कि अनमैंड यदि पूछा गया, अनक्रूड पूछा गया, तो पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है उसका नाम क्या है? तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। क्या है? गगनयान। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखना, गगनयान जो है 2022 में लॉन्च होने वाला है। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये है, इंडिया विल अटेन द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ लॉन्चिंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान एज वेल एज द फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन इन 2023। भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसका नाम गगनयान, के साथ साथ पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। 2023 में दो चीजें होने वाली, पहली बात तो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम गगनयान है उसको भी लॉन्च किया जाएगा, और पहला मानव महासागर मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं इसी क्रम में जो अंतरिक्ष मिशन जो भेजे जा रहे हैं, तो फर्स्ट अनक्रूड, है ना, यानी कि गैर मानव युक्त यदि हम बोल सकते हैं, अनक्रूड गगनयान मिशन जो भेजा जाएगा, अंतरिक्ष मिशन का नाम ही गगनयान रखा गया है, ठीक है, गगनयान मिशन जो है भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा? तो पहला गैर मानव युक्त जो है भेजा जाएगा, तो कब भेजा जाएगा? सेकेंड हाफ ऑफ द 2022, यानी कि 2022 के सेकेंड हाफ में, यानी कि हम देख सकते हैं सेकेंड हाफ बोला गया तो हम मान करके चलते हैं कि दिसंबर से, अगस्त से लेकर के जुलाई से लेकर के दो दिसंबर तक, इस बीच में इन 6 महीनों में भेजा जा सकता है। उसके बाद में क्या किया जाएगा? सेकेंड अनक्रूड गगनयान मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। और ये किसको लिया रहेगा? तो ये व्योम मित्र को लिया रहेगा, या फिर व्योम मित्रा भी बोल सकते हो आप लोग, व्योम मित्र को लिया रहेगा। अब ये व्योम मित्र कौन है? तो व्योम मित्र क्या है? तो इसरो के द्वारा
बनाया गया एक ह्यूमन रोबोट है, मानव रोबोट है, है ना, ये रोबोट है। और वो कैसे दिखता है, केवल जैसे कि हमारा, यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे पेट से ऊपर का धड़, यानी कि केवल ये धड़ है, ये धड़ बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये रोबोट है जो कि भेजा जाएगा, जब दूसरा अनक्रूड गगनयान मिशन भेजा जाएगा तब भेजा जाएगा, और बोला गया है कि 2022 के लास्ट में भेजा जाएगा, यानी कि मान के चल सकते हैं दिसंबर तक भेजा गया। फिर उसके बाद में जब ये दोनों भेज दिया जाएगा, उसके बाद में जाकर के 2023 में इंडिया क्या करेगा, यानी कि इसरो के द्वारा क्या भेजा जाएगा, तो मानव अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा, ठीक है। तीन लोगों को भेजा जाएगा और तीनों लोग अभी जो है हाल ही में, मतलब कि अभी प्रेजेंट में वो जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, 43, 36, 37, 42। तो क्या है बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, हमसे बोला गया है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो इंडिया की जो रैंकिंग है क्या है, 37 है, क्या है, 37वें स्थान पर भारत रहा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में। जारी कौन करता है, तो जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। ये आईएमडी क्या है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, है ना, प्रबंधन विकास का ये क्या है, इंस्टीट्यूट है, जो कि क्या जारी किया है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया है, ठीक। और बात आती है कितने देशों, तो ये ना 63 इकोनॉमीज में जो है ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस मिला करके जारी किया जाता है। फिर आपको ये चीज को याद रखना है कि इंडिया की रैंकिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये 43 देख रहे हैं ना, तो इंडिया की रैंकिंग 2021 में यही थी, 2021 में इंडिया की रैंकिंग 2022 में 37 हुई है, यानी कि इंडिया की रैंकिंग जो है सही आई है, मतलब कि सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड की यदि हम बात करें, तो फर्स्ट कौन है, डेनमार्क है, है ना, पूछा जा सकता है। सेकेंड कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, और थर्ड कौन है, तो सिंगापुर है, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग इस साल कितनी है, 37। यदि हम प्रतिस्पर्धा की बात करें, है ना, और प्रतिस्पर्धा आपको पता है किस में प्रतिस्पर्धा होती है, तो आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी प्रतिस्पर्धा। ये 63 क्या है कि आर्थिक स्थिति देखी जाती है इनमें, और उसके बाद में रैंकिंग जारी कर दी जाती है। तो उसकी यदि हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 37 है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, विच स्टेट हैव रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो है हिमाचल प्रदेश ने जो है अभी जो है क्या किया है, हाल ही में ड्रोन नीति जो है प्रस्तुत किया और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है, ठीक, उसे स्वीकार कर लिया गया। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो शिमला, जो कि समर में रहता है ना, और धर्मशाला विंटर में हो जाता है, यानी कि शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी पूछा गया तो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अरलेकर है, कौन है, राजेंद्र अरलेकर। हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर है, कौन है, जयराम ठाकुर। इतनी चीजें आप लोग याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं घटना चक्र के, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के, जो कि जुलाई का पार्ट वन रहा है। इसी तरीके से और भी पार्ट आएंगे जो कि आपके बिल्कुल आपके एग्जाम तक मेरी जवाबदारी, मैं आपको पूरा कवरअप करवा दूंगी, आपको टेंशन नहीं लेना। याद कैसे करना है वो भी याद भी मैं करवाऊंगी आपको, ये भी नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, बस आपको सेशन में जुड़े रहना है, और उसके बाद में याद कैसे, इसको सबको हम रिवाइज भी करेंगे, जितना अभी पीछे हो चुका है, यानी कि मई जून ये सब है ना, याद भी मैं करवाऊंगी, साथ में आपको बस जुड़े रहना है सेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं सेशन को एंड करूंगी। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।
Thank you.